ना मजदूरी मिलती है बस, आगे विकास कुछ भी नहीं है। विकास कुछ भी नहीं है, खाली पेड़ बन लो। भट्टी द्वारा शीट को तपाया जाता है, तपाने के बाद उसको कूटा जाता है मोगरी से, लकड़ी के हथौड़े से, और उसको ये इसके आकार में दिया जाता है। उसके बाद ये जोड़ लगता है इनमें, ये किनारा अलग बनता है, ये ऊपर का हिस्सा अलग कुटाता है, नीचे का हिस्सा अलग कुटाता है, फिर ये तपता है, फिर ये झलता है। झलने के बाद ये पूरा तैयार होता है। तैयार होने के बाद इसको डिजाइन डलती है। इसमें जो है मेहनता ना मजदूरी मिलती है बस, आगे विकास कुछ भी नहीं है। विकास कुछ भी नहीं है, खाली पेड़ बन लो बस। लगभग कितने बर्तन रोज बना रहे हैं? 40 लाख रोज बनते हैं। ये मध्य प्रदेश में ही होते हैं, मध्य प्रदेश ग्रामीण एरियों में काम में आते हैं। तो ज़्यादातर कुओं के अंदर से पानी खींचना, कुओं के अंदर। इसको क्या बोलते हैं मालवा की भाषा में? इसको घड़ा बोलते हैं, गगरा भी बोलते हैं, गगरा ही बोलते हैं। ये किस तरह से आप इसको कलाकृति के रूप में, एक पत्रे को एक बर्तन के रूप में कैसे डाल देते हैं, क्या होती है? हाथ से टूट के डालते हैं। ये बर्तन किस तरह से आप कहाँ का सप्लाई करते हैं, किस तरह से आप बनाते हैं? ये यही आसपास ही सप्लाई होता है, एमपी में होता है पूरे मध्य। एमपी में इसका चलन है तो एमपी में ही होता है। ये किस तरह के बर्तन रहते हैं, क्या नाम रहता है इसका? इसको एक घड़ा बोलते हैं, एक इसके नीचे अंडा आता है जो जोड़ बनती है। लगभग कितने समय से आप इसका ये हमारे दादा परदादा के जमाने से बना रहे हैं। इसकी जो प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है? आप इसको तपाते होंगे? तपा के करते हैं। तपा के क्या करते हैं सर? नरम हो जाता है, फिर फूटो, फिर कड़क हो जाता है, फिर तपाना पड़ता है। लगभग आप ये सीजन में कितने बर्तन बनाते होंगे? सीजन में तो जो है 1500 नग बन जाते हैं। 1500 नग। अच्छा, इसको आप कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं, होलसेल और ग्रामीण में? हाँ, ग्रामीण एरियो में। अच्छा, लगभग आपकी कितनी उम्र होगी और कब से आप काम कर रहे हैं ये? मेरी उम्र होगी 27 साल, जिसमें 16-17 साल से काम कर रहा हूँ। तो आप में परिवार पालने की क्षमता इस काम में रहती है आपके? हाँ, बस घर का गुजारा हो जाता है। ये तांबे अपने सर्कल से हम तांबे के घड़े बनाते हैं, ये कई प्रकार के यूज में आते हैं। पानी इसका आधुनिक काल में पानी का पुराने समय से आपने देखा राजा महाराजा के टाइम से कि तांबे का धातु का काफ़ी उपयोग किया जाता था उसमें। आज भी जो लोग बीमार हो रहे हैं, काफ़ी तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं, उसको दूर करने के लिए डॉक्टर भी तांबे के घड़े में पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। और जैसे देखा जाए, जैसे ये आधुनिकीकरण के हिसाब से देखा जाए तो तांबे का उपयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसीलिए तभी कई प्रकार की बीमारियाँ इंसान को घेरे हुए हैं। चैनल आज तक